नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज से नया साल शुरू हो रहा है, तो नव वर्ष 2024 की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नए साल के पहले दिन आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होंगे कई बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार नए वर्ष के पहले दिन आज कैबिनेट की बैठक करेगी। इस नए वर्ष में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई सौगात दे सकते हैं। इस बैठक से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर राज्य सरकार से 5% डीएमए लिखी सौगात का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा वित्तीय हालात ठीक नहीं है, जिससे प्रदेश सरकार को कर्मचारी और पेंशनरों की लंबित वित्तीय अदायगियां करने में परेशानी आ रही है। मंत्रिमंडल बैठक में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। इसके तहत विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर भी मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के जो पद खाली है उनको जल्द भरा जाएगा। इसी तरह से विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में 2 नए मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन इन मंत्रियों को अभी विभाग नहीं बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्हें अभी तक अयोध्या से निमंत्रण नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें निमंत्रण आए ना आए, लेकिन हम अयोध्या जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सब के है, उनके दिखाए रास्ते में चलना हम सब का दायित्व है। ये बात उन्होंने रविवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में आपदा से आज तक ऐसी दवाई नहीं हुई है जैसी कि वर्ष 2023 में हुई है, लेकिन हम 3 माह के अंदर अपने पांव पर खड़े हुए हैं। यानी प्रदेश आपदा के जख्म से उबर गया और आज हिमाचल सैलानियों व मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा है। सुक्खू ने कहा कि शिमला विंटर कार्निवाल दैवीय आपदा के बाद प्रभावित पर्यटन को पटरी पर लाने में मददगार साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी कार्निवाल का लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों की रानी शिमला में उमड़े हजारों पर्यटक, रेज पर डीजे की धुनों पर जमकर किया डांस। नए साल के जश्न के लिए रविवार को पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों की खूब भीड़ रही। इस बार पर्यटकों के लिए जश्न मनाने को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। होटलों में जहां कई कार्यक्रम करवाए गए, वहीं रेज पर विंटर कार्निवाल में भी पर्यटकों का मनोरंजन किया गया। दिन के समय रेज पर हिमाचली कलाकारों ने लोक गायन प्रस्तुत किए, जिसका पर्यटकों ने खूब आनंद उठाया। इसके साथ ही रेज पर पर्यटकों के लिए डीजे की व्यवस्था की गई, जिसकी धुनों पर पर्यटकों ने जमकर डांस किया। इस दौरान खाने के स्टॉल भी लगाए गए। इसके अलावा रानी झांसी पार्क में भी डीजे का इंतजाम किया गया था। रानी झांसी पार्क में भी प्रशासन की ओर से स्टॉल लगाए गए थे। नववर्ष की पूर्व संध्या में पर्यटकों ने खूब धमाल मचाया। सीएम सुक्खू बोले, नए साल से सस्ती दरों पर गुणात्मक बागवानी उपकरण उपलब्ध करवाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागवानों की आय बढ़ाने के लिए समय अनेक निर्णय ले रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम HPMC के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। बागवानी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि HPMC ने अपने मुनाफे को 15% से घटाकर 9% किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ती व गुणात्मक उत्पादों तक पहुँच संभव हुई है। इसके अतिरिक्त HPMC ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की सहायता के लिए वचनबद्ध है और HPMC के मुनाफे में कमी का निर्णय बागवानी समुदाय के उत्थान एवं हिमाचल के सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन की भावना से काम कर रही है और प्रत्येक निर्णय जन कल्याण के लिए लिए जा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक जो कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वे पंजीकरण करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा तारीख घोषित कर दी जाएगी। इसी कड़ी में CBSE, ICSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों सहित
एचपी बोर्ड के स्कूलों के विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों को वेबसाइट पर आवेदन करने को कहा गया है। पोर्टल पर जाकर उम्मीदवारों को अपने नाम का अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस दौरान प्रधानमंत्री को अपने सवाल भी लिखकर भेज सकते हैं, जिनके जवाब पीएम की ओर से दिए जाएंगे। शिमला में 15 दिनों में पहुंचे 2,25,000 वाहन, काम कर गया पुलिस का 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। मात्र एक पखवाड़े में शिमला में पहुंचे 2.25 लाख वाहनों को संभालने में शिमला पुलिस का 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कारगर साबित हुआ है, जिससे शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से स्मूथ चलता रहा। इन वाहनों में से करीब 1 लाख वाहन भारी राज्यों के ट्रैकों के है। 15 से 31 दिसंबर तक रविवार दोपहर तक 2,21,892 वाहनों की आवाजाही हुई है, जिनमें से 97,461 गाड़ियां बाहरी राज्यों के प्लेटकों की थी। 30 दिसंबर सुबह 8 बजे से 31 दिसंबर शाम 4 बजे तक शिमला सोलन हाईवे पर सोगी पुलिस बैरियर से 19,203 वाहनों ने प्रवेश किया, जिनमें से सोलन से शिमला की ओर 7,671 वाहन आए, जबकि शिमला से सोलन की ओर 6,082 वाहनों की निकासी हुई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ड्रोन व सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। ट्रक यूनियन की मांग के समर्थन में उतरी युवा कांग्रेस, निगम भंडारी बोले केंद्र सरकार जबरन ना थोपे कानून। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर नया कानून पारित किए जाने के विरोध में धीरे धीरे ट्रक यूनियन आगे आने लगी है। इसी कड़ी में हिमाचल युवा कांग्रेस ने भी ऑयल टैंकर यूनियन की हड़ताल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से कानून में जल्द संशोधन करने की मांग की है। युवा कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, जिसके तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक का कैद का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी विरोध कर चुकी है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने रविवार को शिमला में अनौपचारिक बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार जबरन कानून थोपने का प्रयास ना करे। केंद्र सरकार के इस नए कानून का देश की समस्त ट्रक यूनियन ने विरोध कर रही है और ऑयल टैंकर यूनियन हड़ताल पर जा चुकी है, इसके चलते अब इसे मार्केट में तेल की कमी होगी है। शिमला में नए साल में मंदा रहेगा कारोबार, इस साल 40 वर्षों में सबसे कम 60% ही भरे होटलों के कमरे। हिमाचल प्रदेश में सप्ताह में बर्फबारी के अनुमान और नए साल पर शराब पीकर जश्न मनाने वालों के साथ सख्ती ना करने के मुख्यमंत्री के निर्देश भी पर्यटकों को लुभा नहीं सके है। शिमला में रविवार शाम तक होटलों के करीब 60% ही कमरे भरे थे, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे कम है। चंबा में समारोह से घर लौट रहे व्यक्ति के साथ रास्ते में दर्दनाक हादसा, मिली खौफनाक मौत। चंबा जिले के पलोई में शनिवार देर शाम ढांक से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान योगराज पुत्र अमरोराव गांव कलैंड पलोई के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम योगराज अपने रिश्तेदारों के यहाँ समारोह में गया था, जिसके बाद वे घर वापस लौट रहा था, जिस दौरान रास्ते में योगराज का पैर फिसल गया, जिससे वे गहरी ढांक में गिर गया। नए साल का जश्न नाने रेज पर पहुंचे सीएम सुक्कू, मंत्रियों संग डाली नाटी। नए साल की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू जश्न मनाने के लिए शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विंटर कार्निवाल को लेकर सजे मंच पर पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नववर्ष की बधाई दी। उन्होंने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को मिलजुल रहने की सलाह दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पर्यटकों से मिले और उनका हालचाल पूछा। हमीरपुर के गलोर के बुधबी गाँव में टेलर की दुकान में लगी भीषण आग, 13 लाख रूपए का नुकसान। हमीरपुर जिले के तहत उप तहसील गलोड़ के अंतर्गत आने वाले बुधबी गांव में रविवार सुबह एक सिलाई की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। आग लगने से दुकान में रखी गई कपड़ा सिलने वाली मशीनें तथा लोगों द्वारा सिलने के लिए छोड़े गए कपड़े राख हो गया है। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। वेदर अपडेट, हिमाचल में खिली धूप से होगा नव वर्ष का स्वागत, बर्फबारी के आसार नहीं। नव वर्ष का आगमन इस बार बर्फबारी से नहीं होगा, अपितु खिली धूप नए वर्ष का स्वागत करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 1 से 6 जनवरी तक सभी क्षेत्रों में मौसम साफ शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। रविवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही। मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जताया गया था, लेकिन बावजूद इसके बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि मैदानी इलाकों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
आगामी 24 घंटों में मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, धौलाकुंभ, पौंटा साहिब, सोलन जिले के बद्दी व नारागढ़ में सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं, जिसके चलते लोगों सहित वाहन चालकों को सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। नए साल में HRDC लोगों को देगा 3 तोहफे, बसों में कैशलेस होगा सफर। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC नए साल में प्रदेश के लोगों को 3 तोहफे देगा। जनवरी से कैशलेस सफर, ऑनलाइन बस पास और वर्कशॉप इन्वेंटरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। 20 जनवरी तक तीनों सुविधाएं औपचारिक रूप से शुरू करने की योजना है। प्रदेश में नए साल से HRTC की बसों में यात्री कैशलेस सफर कर पाएंगे। HRTC ने नई हाईटेक मशीनों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसके बाद सभी कंडक्टरों को नई मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएगी। जनवरी से ही HRTC कॉलेज विद्यार्थियों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा देगा। IT विभाग ने इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सुविधा मिलने के बाद विद्यार्थियों को पास बनाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। फरवरी से स्कूल बस पास और रियायती कार्ड भी ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकेंगे। नए साल में HRTC की सेंट्रलाइज्ड इन्वेंटरी भी शुरू हो जाएगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नए साल की आप सभी हमारी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।